राजस्थान में गोवंश में फैले लंपी वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हजारों गायें बीमारी के कारण मौत के आगोश में समा चुकी है। पशुपालन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद बीमारी का संक्रमण थमने की बजाय लगातार फैलता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह राजस्थान में पशु चिकित्सकों की भारी कमी भी मानी जा रही है। इसके चलते सरकार के प्रयास इस बीमारी को रोकने में नाकामी साबित हो रही है। राजस्थान में पशु चिकित्सा के करीब आधे पद खाली चल रहे हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सकों के 2340 पदों में से 1141 पद रिक्त है। जानकारों की माने तो यही नहीं, वरिष्ठ पशु चिकित्सकों के 1132 में से 274 पद खाली पड़े हैं। ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले LSA यानी कि पशुधन सहायकों के 1751 पद रिक्त चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पशु चिकित्सा सहायकों की DPC नहीं होने के कारण 749 पद रिक्त पड़े हैं। दरअसल राजस्थान में पशु चिकित्सकों की भर्ती 2019 से लंबी चल रही है। 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती कोर्ट के विचाराधीन है। नवंबर 2021 में 300 पशु चिकित्सकों की भर्ती अस्थायी आधार पर की गई थी। अब लंपी स्किन के संक्रमण को देखते हुए इसी तरह की भर्ती करने की मांग फिर से उठ रही है। स्टाफ की कमी के कारण वरिष्ठ पशु चिकित्सकों को प्रशासनिक कार्य व्यवस्थाएं लगाने में स्थितियां और बिगड़ गई। अब सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। पशुपालन मंत्री कह रहे हैं कि जल्द भर्तियां की जाएगी और पशुपालन विभाग में प्रशासनिक ढांचे की बात की जाए तो निदेशक के पद के साथ में अतिरिक्त निदेशक के 13 स्वीकृत पदों में से 3 पदों की अस्थायी रूप से जुगाड़ से चलाया जा रहा है। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर के 9 पद खाली है।